अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला की बारगह अकदस में दिल की अथाह गहराइयों से आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि मौला करीम इस वक्त जहाँ कहीं भी दुनिया के जिस कोने में भी बैठकर जितने भी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपनी फैमिली के साथ अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से खुश रखे, आबाद रहें, और ख़ुसूसी तौर पर जो बीमार हैं अल्लाह पाक आप सबको जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बढ़ते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। तो जी माँ, 3 साल की उम्र में हम कहते हैं माँ माँ, 10 साल की उम्र में आप कहाँ हैं माँ, 16 साल की उम्र में उफ अम्मी मेरी इतनी फ़िक्र ना किया करें। यानी अगर बच्ची या बच्चा कोई स्कूल जाता है या कहीं काम के लिए बाहर जाते हैं, देर कर देते हैं आने में, तो माँ जब सवाल करती है इतनी देर क्यों कर दी, तो आगे से हमारा जवाब क्या होता है कि उफ़ अम्मी आप मेरी इतनी फ़िक्र ना किया करें, अब हम बड़े हो गए हैं। 20 साल की उम्र में उफ़ अम्मी आप एक तो बोलती बहुत ज़्यादा हैं, बस अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। 25 साल की उम्र में उफ़ माँ हर वक्त जो है ना रोक टोक है, आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो गई हैं। 35 साल की उम्र में मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने आपको छोड़ना नहीं है माँ, मैंने आप ही के साथ रहना है। और 50 साल की उम्र में क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो जितना कुछ भी है हम सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, कोई हमारी माँ को वापस ले आए। तो याद रखें माँ सिर्फ़ एक होती है, अगर वो ज़िंदा हैं तो उनकी कदर करें, उनकी खिदमत करें, उनको राज़ी रखें, उनको खुश रखें। अगर वो उस दुनिया से चली गई तो बहुत देरी हो जाएगी, फिर पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता सिवाय रोने के। तो मौला करीम उन सब के लिए दुआ है जिनके वालदैन इस दुनिया में ज़िंदा हैं, या अल्लाह पाक उन्हें तौफीक दे, उन्हें अदहद दे कि वो अपने माँ बाप की भरपूर खिदमत कर सकें, उनको राज़ी रख सकें। और जिनके वालदैन इस दुनिया से चले गए हैं, मौला करीम अपने प्यारे हबीब के सदक़े उनकी मग़फ़रत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ अब इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त चाहने से पहले मुख्तसर सी बात, जिस तरह फूल का तहारब उसकी खुशबू होती है, इसी तरह इंसान का जो है ना तहारब उसका किरदार होता है। खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।